सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। लैंडोर से वापस चल रहे हैं नीचे। उतराई है और ये भी कम हार्ड नहीं होगी, बहुत हार्ड होगी। पंजे का इस्तेमाल करना पड़ता है, उंगलियों की उंगलियों को दबा दबा के नीचे उतरना पड़ता है। थक भी बहुत गए हैं। तो किसी को उतरता होता तो उन्हें राहत सी मिलती है। अच्छा ये तो उतर कर आ गए बेचारे, हमें तो अभी और चढ़ना पड़ेगा। तो एक फिनोमिना होती है जो शाम में, जिसको विंटर लाइन बोलते हैं, वो यहाँ से बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन अभी शाम नहीं हुई है तो लाल रोड से दिखाएंगे आपको। ये फिनोमिना सिर्फ मसूरी और स्विट्ज़रलैंड में इस तरह की देखी जाती है, बाकी पहाड़ों पे बहुत सी जगह पे ये देखने को मिलती है। अभी दिखाएंगे आपको। तो ये वही खूबसूरत सा होटल कैफ़े जो पहले भी हमें दिखा था। सब चीज़ें जो चढ़ते वक्त दिखी थी अब वापस फिर दिखेंगी। उतरते वक्त थक बहुत गए हैं लेकिन जो लोग लैंडोर घूमना चाहते हैं, मेरी एक सलाह है उनको कि कितना भी हार्ड हो जाए लेकिन आप पैदल ही आइएगा यहाँ, तभी आप ये देखिए व्यूज़। इस तरह के जो व्यूज़ हैं आपको पैदल में आप देख पाएंगे, अदरवाइज़ गाड़ियों में इतना आसानी से हमें देखने को नहीं मिल पाता है। बहुत टफ रहा लेकिन अब काफ़ी नीचे उतर आए हम, बाज़ार की तरफ आ गए। और ये वो क्लॉक टावर, इससे आगे उस ज़माने में यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में इंडियंस का जाना मना था, बैन था। तो करीब एक घंटा हो गया हमको और हम आ गए हैं माल रोड के पास। एक घंटा लगा पूरा उतरने में। शाही रसोई होटल। तो गाइज ये है वो फेमस विंटर लाइन मसूरी की, जो कुछ वेदर कंडीशंस होती हैं उसके प्रभाव से डस्क पे यानी शाम में बनती है आसमान में। जैसे कि देहरादून नीचे वार्म है तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं। और इस तरह की विंटर लाइन सिर्फ मसूरी और स्विट्ज़रलैंड के एल्प्स पहाड़ जो है वहाँ पे देखने को मिलती है। डिनर टाइम हो गया है और माल रोड पे ये एक नॉनवेज का रेस्टोरेंट है, वेज नॉनवेज दोनों का। आज नॉनवेज खाते हैं, चलिए कुछ मंगा लेते हैं। जबरदस्त ठंड है, 3 डिग्री है इस वक्त। अभी 7:30 हो रहे हैं, नहीं 7:30 7:30 हो रहे हैं, 7:30 बजे 3 डिग्री हो गया। तंदूरी मंगाया हाफ, दाल अभी आ रही है, अभी खा के बताते हैं। खा के बताता हूँ। दाल तड़का है, ये दाल तड़का अच्छी दाल, स्पाइसी बढ़िया पका हुआ है, अच्छा है। क्या सीन है ना, माल रोड से देहरादून, वाओ देखो इधर स्क्रीन पे। खाना हमारा हो गया। मिर्च कितनी तेज थी? बहुत तेज मिर्च थी दाल के अंदर, पर अच्छा हुआ डिनर हमारा बढ़िया टेस्टी रहा। बहुत ठंडा लग रहा है, 3 डिग्री हो गया है, 3 डिग्री हो रखा है, बहुत ठंडा। और आज कुल्फी जम गई है, कुल्फी जमा दिया आज तो। अभी अभी डिनर करके वापस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर 3 डिग्री है। अगर आपको दिखा सकूँ तो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। 4 डिग्री हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड है, सूखी ठंड है, मतलब कप कभी छूट रही है इतनी ठंड है। तो डिनर कर लिया हमने, बहुत अच्छा था खाना, और अब अपने रूम में आ गए। हिम्मत नहीं है बाहर घूमने की, माल रोड खाली पड़ा है, बस इमरजेंसी में लोग खाना वाना खाने जा रहे हैं, बाकी खाली है। तो सुबह में आज वहाँ गए थे लाल डिब्बा, जो लैंडोर के पास है, और वहाँ का विजिट करिए। हमने वहाँ घूम के आए, पैदल पैदल गए, पैदल ही वापस आए। करीब करीब 10 किलोमीटर कमर दुख गई है, करीब करीब 10 किलोमीटर का रन आना जाना हमने पैदल कर लिया, और अभी 20 स्टेमिना बाकी है। अभी भी खाना खा कर आए अभी भी खाना खा कर बाहर जा रहे,
तो ऐसा कुछ नहीं, पर अच्छी जगह है वो लैंडोर जो है, बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे। मतलब मसूरी और ये लैंडोर, ये दो सिटीज़ हैं, एडजॉइनिंग है। तो लैंडोर भी जो है अंग्रेजों के ज़माने का है, मसूरी भी अंग्रेज के ज़माने की है, लेकिन लैंडोर जो है वहाँ का ब्रिटिश आर्मी ने बिल्ट किया था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने 18th सेंचुरी में। तो वहाँ ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह रहते थे, उनके बंगले थे वहाँ पे। बहुत ही जंगल का सा एरिया है, बहुत ही पीसफुल, खाली सड़कें और बिल्कुल कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं है, इस तरह का वहाँ पे है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और कुछ झलक भी मिलेगी उस काल की, ब्रिटिश काल की, जब भारत में ब्रिटिश का शासन था, उस ज़माने का आर्किटेक्चर वगैरह वहाँ पे मिल जाएगा। हम तो हमने हिम्मत नहीं की, वहाँ के जो अंग्रेजों के बंगले थे, जिनको अंग्रेजों के बंगले, जिनको रेस्टोरेंट वगैरह बना दिया, कैफ़े वगैरह, होटल्स, तो हम तो गए नहीं, क्योंकि पैसे ही वेस्टेज लगती है उसमें, है ना। सिर्फ वहाँ का एम्बियंस वगैरह देखने के लिए आप जा सकते हैं, उनके अंदर चाय कॉफ़ी पी के आ सकते हैं, हम नहीं गए, आप जा सकते हैं। दूसरी बात यह कि जैसे हमने वॉक करके हम वहाँ गए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वॉक करके वहाँ पर जाना है। आप चाहें तो माल रोड से या लाइब्रेरी बस स्टैंड से कैब या टैक्सी वगैरह हायर करके वहाँ तक जा सकते हैं। मुझे तो पसंद है इस तरह से एक्सप्लोर करना, फीट्स अपने पाँव पे पैदल घूम के ही मेरे को पसंद है कि हम हिल्स को एक्सप्लोर करें। एक्चुअली में तभी फील आती है, एक्चुअल फील जो होता है हिल्स का, तभी आता है जब हम पैदल वहाँ पे घूमते हैं, देखते हुए जाते हैं सब जगह। वो गाड़ियों में ऐसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। तो ये चॉइस आपकी है, लेकिन मस्ट विजिट है लैंडोर जो है, मस्ट विजिट प्लेस है, आपको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ पे लैंडोर के पास 4 दुकानें हैं, 4 दुकान बहुत पुराने काल की हैं वो। उससे आगे करीब 700 मीटर आगे लाल टिब्बा व्यू पॉइंट है, मसूरी की जो सबसे ऊंची जगह है वो वहाँ है, लाल टिब्बा, गंगनीर पहाड़ से भी ऊंची है वो। तो वहाँ भी आप विजिट करें। अच्छा, हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा फॉग था, मतलब तो हिमालयन पीक्स के दर्शन हमें तो हुए नहीं, लेकिन वहाँ से बंदर पूंछ, केदारनाथ, ऐसी कई पीक्स के बहुत अच्छा व्यू वहाँ से मिलता है। तो हो सकता है जब आप जाएँ तो हो सकता है जब आप जाएँ तो आपको ये सब व्यू हिमालयन पीक्स का देखने को मिल जाए। अब वीडियो को समाप्त करते हैं, रात हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बस आराम करते हैं, कल का देखेंगे कल क्या करना है। स्नोफॉल का तो कोई लग नहीं रहा, बहुत अच्छी धूप निकल रही दिन में, लेकिन शाम को ठंड हो जा रही है बहुत ज़्यादा, तो स्नोफॉल का मुझे लग नहीं रहा कोई चांस, कैंसिल है, कैंसिल है। हम एक तरह से कॉमेडी सी हो गई है, हमने सोचा था स्नोफॉल हो जाएगा। एनीवे, अब इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं देखने वाले हैं, अगर वो अच्छा लगा है उनको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की रूटीन देखते हैं क्या होती है, कल नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगी। तो अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। बैठे हो, ठंडी हवाओं के बीच में बैठ, आना चाहिए हमें। गौतम बुद्ध की वहां मूर्ति लगी।